नौजवानों से पूछते हैं और जो उसके उनके रोल मॉडल्स कैसे हैं, स्पेशली वकीलों के हवाले से, जो लॉ के तालब इल्म हैं, हमने जब उनसे पूछा तो उनके पास, हालांकि मुल्क में वकील खैर से बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन रोल मॉडल्स बड़े कम हैं। तो आप एज ए मतलब अब सीनियर तरीन लॉयर के मुल्क के, आप कैसे देखते हैं कि हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है वकीलों, एक यंग वकील है वो क्या करे, अपना आगे करियर को कैसे शेप अप करे? दो चीजें हैं मेरी निगाह में, एक तो तीन असूल है, पहला असूल है मेहनत, दूसरा असूल है मेहनत, तीसरा असूल है मेहनत। और वो मेहनत इसका कोई मत बदल ही नहीं है। अदालत के सामने आपने पेश होना है तो अदालत ने आपको आपको वो अपनी फाइल के सफात अजबर होने चाहिए कि जज साहब पूछें कि ये आपने जो कहा है कि मुल्ज़िम ने ये जुमला कहा, ये कहाँ कहा, आप कहें सफा 175 पे। सो मेहनत। दूसरी चीज, आप इस कमरे में किताबें देखेंगे, एक लॉ बुक नहीं देखेंगे, एक लॉ बुक नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। वो मुतालिया करें, मुतालिया आपको इतना और इतने अजब अंदाज में इतने मौजू वक्त पे मिसाल मिल जाती है, जो जज को, जज बड़ा बोर्ड शख्स है, उसके सामने इस किस्म के केस, एक ही किस्म के केस आए चले जा रहे हैं, उस सेक्शन पढ़ रहा है, जो उसको जब आप उस सेक्शन से सिर्फ उस शिक के मुताबिक नहीं, पर उस शिक के से कोई रिलेटेड के जी मेरे दिन में ये आ गया और एक रेलेवेंट किस्सा सुना सकेंगे, बात कर सकेंगे, तो वो आप समझे केस आप जीत गए। तो केस मैंने बहुत सारे, सारे नहीं जो जितने जीते हैं उनमें से बहुत सारे अक्सर मैंने जीते हैं सिर्फ लॉ के पढ़ के नहीं, लेकिन लॉ के अलावा एक मौजू मिसाल जनरल स्टडी भी करें, जनरल स्टडी भी उनकी होनी चाहिए। ये कहते हैं हमारे यहाँ जिस तरह रूरल एरिया में हमारे अंग्रेजी से नावाकफियत होती है और हमारा सारा कानून और निज़ाम में तालीम अंग्रेजी में हायर लेवल पे है, उसके साथ एक आम नौजवान कैसे ग्रैपल करे, उसको कैसे ग्रैस्प करे कि वो एतमाद उसके अंदर आ जाए? एतमाद के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये वकालत तो एतमाद का बड़ा किरदार, कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत ज्यादा किरदार है इसमें, कॉन्फिडेंस का और एतमाद का। और मैं समझता हूँ कि इसमें अंग्रेजी अगर आपकी रीडिंग अंग्रेजी ठीक हो वो आप जरूर करें, डिलीवरी में आप शाइस्ता उर्दू में करें, उर्दू बिल्कुल, उर्दू सुप्रीम कोर्ट तक शाइस्ता उर्दू में रीड, पढ़ना तो अंग्रेजी में अगर टेक्स्ट है तो वो तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप उसकी अंग्रेजी की डिलीवरी पे इतना गम ना खाएं कि मेरी डिलीवरी गलत हो रही है। आप छोड़े अंग्रेजी को, डिलीवरी और बहस और आर्गुमेंट आप शाइस्ता शुस्ता साफ सलीस उर्दू में करें, उस जितना असर ही नहीं हो सकता। ये सर बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि वकालत उस्ताद के साथ होती है, उस्तादी शागिर्दी का है, उस्ताद का कितना रोल है अच्छे उस्ताद के साथ बैठने का, या बंदा खुद भी सीख सकता है, अपने ऊन पे बैठे हैं लोग पढ़े? जो लोग तो 1947 में अपने घर बार छोड़ के पाकिस्तान आए थे और उनमें वकला भी थे, उनमें जो सीनियर वकला थे 40 से ज्यादा 45 50 साल की उम्र के, एक एक नस्ल गुजरी है, उनका तजर्बा ये था कि उनको लॉ सीखने में एक मुश्किल आती थी कि अगर वो नए कानून जानते तो जरा हिचकिचाते थे। बहुत सारों ने जिक्र किया कि किसी जूनियर वकील से जो कि यहां लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा था या लायलपुर में कर रहा था या कराची में कर रहा था, उससे वो मशवरा करें, वो छोटा वकील 25 साल का ये 55 साल के, तो उन लोगों ने बड़ी ज्यादा मेहनत की और उनमें से बड़े बहुत बड़े बड़े वकला हुए। जो पढ़ता ही यहां है और
उसके लिए तो मेरा ख्याल है आसानी है. मुश्किल उसके लिए भी है जो स्कूल से पढ़ के और लॉ कानून करने बाहर चला जाता है और बाहर से करके वापस आता है, वो भी जरा कटा हुआ होता है कानून से. इस पे मेरा, हाँ जी प्लीज. तो इसलिए मेहनत ही करनी पड़ेगी. तो यही अब ये है कि मेहनत ही, मेहनत, कोई शॉर्टकट नहीं है. नहीं, शॉर्टकट यही मैसेज है, कोई शॉर्टकट नहीं है. थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया. उम्मीद है ये सारी हमारी गुफ्तगू से हमारे देखने वालों को, यूथ को